नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजू रंजन और आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस एनालिसिस, जहां हम डिफेंस और विदेश नीति से जुड़ी हर बड़ी खबरों का विश्लेषण करते हैं। पूरी दुनिया कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रही है। भारत ने भी दो टीकों के साथ इस महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी है, मगर इस संकट के घड़ी में भी भारत अपने पड़ोसी देशों की मदद के लिए पीछे नहीं हटा है। भारत अपने पड़ोसी देश जैसे अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव्स, मॉरिशस और सेसलिस को कोरोना वैक्सीन के 10 मिलियन यानी 1 करोड़ खुराक गिफ्ट करने वाला है। और इसी के साथ भारत सरकार ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविड शील्ड को आपात इस्तेमाल की मंजूरी भी दे दी है, जिसके बाद से 16 जनवरी 2021 से भारत में टीकाकरण अभियान चल रहा है। 23 जनवरी 2021 को भारत ने रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण 3 पड़ोसी देशों म्यांमार, मॉरिशस और सेसलिस को उपहार के तौर पर कोरोना वैक्सीन भेजी। साथ ही भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से करार करने वाले देशों को भी वैक्सीन निर्यात की जाने लगी है। सबसे पहले ब्राजील और मोरक्को को वैक्सीन की पहली खेप भेजी गई है। वहीं ब्राजील के प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो ने एक ट्वीट के जरिए भारत को संकट मोचन हनुमान से तुलना कर दी, और करे भी क्यों ना, भारत इस मुश्किल भरे समय में सबकी मदद कर रहा है। वहीं कुछ देश ऐसे हैं जो आतंकवाद और विस्तारवाद पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत ऐसा पहली बार कर रहा है, इससे पहले भी भारत ने अपने पड़ोसी देशों को, यहां तक कि पाकिस्तान को भी हाइड्रोक्लोरोक्विन और पैरासिटामोल जैसी दवाइयाँ दे चुका है। नेपाल को भारत ने 23 टन एसेंशियल मेडिसिन प्रोवाइड करी थी पिछले साल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि भारत वैक्सीन उत्पादन का इंटरनेशनल हब है और कई देशों ने कोरोना महामारी के खिलाफ टीकाकरण के लिए यहां से वैक्सीन खरीदने की इच्छा जताई है। बताया जा रहा है कि 92 देशों ने कोरोना महामारी के खिलाफ टीकाकरण के लिए भारत से वैक्सीन खरीदने की इच्छा जताई है। जहां तक इन देशों की मांग का सवाल है, तो पीएम मोदी स्पष्ट कर चुके हैं कि वैक्सीन बनाने के लिए भारत की क्षमता का इस्तेमाल पूरी मानवता के लिए किया जाएगा। वैक्सीन उत्पादक देश के तौर पर आज मैं वैश्विक समुदाय को एक और आश्वासन देना चाहता हूं। भारत की वैक्सीन प्रोडक्शन और वैक्सीन डिलीवरी क्षमता पूरी मानवता को इस संकट से बाहर निकालने के लिए काम। अनुराग श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि 20 जनवरी से दूसरे देशों को वैक्सीन की आपूर्ति शुरू हो गई थी। भारत ने नेबर फर्स्ट की पॉलिसी अपनाते हुए 6 देशों को उपहार के तौर पर वैक्सीन देने का ऐलान किया था। इनमें से शुक्रवार तक भूटान को वैक्सीन के 1.5 लाख डोज, मालदीव्स को 1 लाख डोज, 10 लाख डोज नेपाल को, 20 लाख डोज बांग्लादेश को, 15 लाख डोज म्यांमार को और सेसलिस को वैक्सीन के 50,000 डोज भेजी जा चुकी है। श्रीलंका की नियाम एजेंसी ने भी कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब जल्द ही उसे भी यह वैक्सीन भेज दी जाएगी। अफगानिस्तान में वैक्सीन की मंजूरी मिलने का इंतजार भारत कर रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ ही सऊदी अरब, मोरक्को और ब्राजील ने भारत कंपनियों को वैक्सीन खरीदने की इच्छा जताई गई है, जिस पर अभी काम शुरू हो गया है। साफ है कि भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए अपने सभी पड़ोसी देशों तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचा दी है और या पहुंचाने की तैयारी में है। विदेश से आ रहे आग्रहों या प्रस्तावों के बारे में सरकार की तरफ से गठित उच्च स्तरीय समिति फैसला करती है। आगे भी इसके बारे में देश में वैक्सीन की जरूरतें और आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए फैसला किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ज़्यादातर देश सीरम से कोविड शील्ड वैक्सीन खरीदने को इच्छुक है। कुछ देशों ने भारत के बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को खरीदने में भी इच्छा जताई है। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पहले ही कहा था कि उसने वैक्सीन की 10 करोड़ डोज तैयार कर ली है और इस साल मार्च में वो हर महीने 10 करोड़ डोज तैयार करने लगेगी। माना जा रहा है कि अगले महीने से वैक्सीन निर्यात में तेजी आएगी। भारत पड़ोसी देशों की मदद करके न सिर्फ मानवता धर्म निभा रहा है, बल्कि अपने फॉरेन डिप्लोमेसी को भी एक नए आयाम पर ले जा रहा है। भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने ऐलान किया कि भारत सरकार ने उन्हें कोरोना वैक्सीन फ्री में दी है। इसके अलावा 20 जनवरी को बांग्लादेश को भी भारत की तरफ से कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के 2 मिलियन डोज बतौर गिफ्ट मिले। इतना ही नहीं, नेपाल को भी भारत सरकार फ्री में कोरोना वैक्सीन देगी। इस तरह से चीन की वैक्सीन डिप्लोमेसी के खिलाफ भारत ने बहुत लंबी लकीर घिस दी है, जिसका असर पड़ोसी देशों के साथ साथ भारत के संबंधों पर भी दिखेगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें,
ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नए श्रोतागण सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल से जुड़ी नवीन जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाएं। साथ ही आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। धन्यवाद। जय हिंद।